हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल नाउ स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपने टेक्निकल की और जो रीजनिंग की क्लास ली है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आपके लिए जनरल साइंस की क्लास लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान शुरू करेंगे। तो दोस्तों, विज्ञान होती क्या है? विज्ञान प्रकृति की जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्धता का ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं कि दूध से कैसे दही बनता है और दही से कैसे छाछ बनती है, तो इसी प्रकार जो काम हो वो लगातार होना चाहिए दोस्तों। तो वही क्या है? हमारा विज्ञान है। दोस्तों, जो सामान्य विज्ञान है उसके क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। 10 से 12, 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो सामान्य विज्ञान है उसमें हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा पार्ट रसायन विज्ञान, और तीसरा पार्ट दोस्तों जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान। दोस्तों, साइंस में हम यहाँ से जीव विज्ञान से शुरू करेंगे क्योंकि जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जीव विज्ञान के, और ज़्यादातर जो स्टडी कराई जाती है उसमें जीव विज्ञान ही ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो हम जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। दोस्तों, जीव विज्ञान के जो जनक होता है वो किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और जो जीव विज्ञान है उसे बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो जीव विज्ञान जो नाम दिया वो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया? लैंडमार्क और ट्रेरबी नेरेस नामक वैज्ञानिक ने इसका जो शब्द दिया वो कौन से उन्होंने दिया? ठीक है दोस्तों, तो इसका जनक कौन होता है? कौन है? अरस्तु। ठीक है दोस्तों, और इस जो शब्द दिया, जो बायोलॉजी शब्द दिया वो किसने दिया है? दो वैज्ञानिक थे, एक था लैंडमार्क, ठीक है दोस्तों, और दूसरा था ट्रेबी नरेश। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसका शब्द का नाम दिया। और जो जनक है वो कौन है? अरस्तु। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, जो शब्द दिया वो ये दो वैज्ञानिक अलग थे, और जो जो इसकी जो जनक कहा जाता है वो ये अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारी जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान से हम अब जो जीव विज्ञान है हमारे, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? इसका 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। एक होता है दोस्तों जंतु विज्ञान, और दूसरा कौन सा होता है? वनस्पति विज्ञान। तो दोस्तों, जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, उसके हमारे जो दो टॉपिक हैं कौन कौन से? 2 पार्ट हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी में क्या होता है दोस्तों? जैसे जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उनके कोशिका होती है और तंत्रिका तंत्र ऐसे, और ज्ञानेंद्रियां, ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। और ठीक है दोस्तों, और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे की जो वृद्धि होती है या कमी होती है उनके बारे में, जैसे पेड़ पौधे बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? जंतु विज्ञान से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। ठीक है दोस्तों, जंतु विज्ञान में पहला जो टॉपिक है वो है ज्ञानेंद्रियां।
ज्ञानेंद्रियां क्या होती है? जैसे मानव शरीर के अंदर हमें जो बाहरी वातावरण का जो अनुभव कराती हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। जैसे हमें सर्दी गर्म जो भी तप या जो भी होती है उसके बारे में हम क्या कराती है? अध्ययन कराते हैं, अनुभव कराती है उनके बारे में। जैसे सर्दी होती है तो हम जो त्वचा होती है उसके बारे में अध्ययन मतलब अनुभव कराती है उस चीज़ का हमें, ठीक है। तो वैसे हमारी आँख होती है, कान होते हैं, वो हमें बाहरी जो बाहरी वातावरण होते हैं उनके क्या कराती है दोस्तों? अनुभव कराते हैं। तो दोस्तों ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है त्वचा, ठीक है दोस्तों, दूसरी आँख, तीसरी कान, नाक और लास्ट जीभ, ठीक है दोस्तों। ये क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां होती है, यानी हमें ज्ञान कराती है, बाहरी जो वातावरण होता है उसका अनुभव कराती है, ठीक है दोस्तों। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा त्वचा, तो त्वचा से हम शुरू करते हैं। त्वचा हमारे शरीर का क्या है? सबसे बड़ा अंग है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कभी बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, उसमें हमें दे देते हैं, जैसे यकृत दे दिया ऑप्शन में, त्वचा दे दिया, या तंत्रिका तंत्र दे दिया, या फिर और भी कोई ऑप्शन मान लो जो वो हमें क्या देता है ऑप्शन में दे देता है, ठीक है दोस्तों। तो बच्चे क्या करते हैं? यकृत कर देते हैं, ठीक है, यकृत कर देते हैं, क्योंकि ये भी सबसे बाहरी जो बड़ा अंग है वह है, लेकिन ये बाहरी अंग नहीं है, बाहरी ये आंतरिक अंग है। बाहरी अंग कौन सा है दोस्तों? त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है, पहला है इसमें सबसे बड़ा अंग। ठीक है, सबसे बड़ा अंग है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हरफन, हरफन मोला अंग, ठीक है, इसे हरपन मोलांग कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है दोस्तों। फिर इसका अध्ययन किस में, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो अध्ययन कहलाता है इसका अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहलाता है, जो इसका अध्ययन होता है वो कहलाता है डर्मेटोलॉजी विज्ञान, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें का एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, या डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों किसका कहा जाता है? त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है जो ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है ये होता है कि जो त्वचा के झड़ने से कौन सा रोग होता है? तो जिसमें रोग होने वाला है वो कौन सा है? डर्मेटोसिस, ये इसमें रोग पाया जाता है, ठीक है, त्वचा के झड़ने से। इसका अध्ययन किस में क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। और इसके जो रोग होता है वो कौन सा होता है? डर्मेटोसिस, ठीक है दोस्तों। ये दो, और तीसरा जो चौथा पॉइंट है वो पॉइंट है दोस्तों कि त्वचा का जो हमारे जो त्वचा को जो प्रकाश प्राप्त होता है, जो जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है दोस्तों? वो मिलती है हमें सूर्य के प्रकाश से, विटामिन डी की पूर्ति होती है कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से, विटामिन डी की पूर्ति होती है, ठीक है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की पूर्ति होती है हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये टॉपिक आपने उतार लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से इसको। दोस्तों जो हमारे पांचवा टॉपिक है वह है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर जो त्वचा पाई जाती है वो सबसे मोटी होती है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब बार वहेल होती है, तो वहेल जो जीव है उसमें क्या होती है? सबसे मोटी त्वचा पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं, जो वहेल होती है, वहेल की त्वचा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बल्बर, बल्बर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद है, अब हम
जो त्वचा होती है वो कौन कौन सी होती है दोस्तों? पहली त्वचा होती है, त्वचा तीन प्रकार से पाई जाती है हमारे शरीर में। कौन कौन सी? सबसे नीचे वाली जो त्वचा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? वो एपिडर्मिस होती है। ठीक है, कौन सा? पहली होती है एपिडर्मिस। ठीक है दोस्तों, ये सबसे निचली परत यानी बाहरी परत होती है जो हमारी पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। निचली वाली बोल सकते हो इसे, ये बाहरी बोल सकते हो, निचली त्वचा ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करती है? हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। इसके बाद है दूसरी, जो मध्य होती है, बीच वाली होती है, वो कौन सी होती है दोस्तों? डर्मिस। ये मध्य वाली होती है, मध्य त्वचा। ठीक है दोस्तों, जो ये डर्मिस होती है ये क्या होती है? जैसे आप जानते हो कि टेनिन विधि के द्वारा जो जानवर होते हैं उनकी त्वचा को निकाला जाता है, तो वो त्वचा कौन सी होती है? वो डर्मिस वाली त्वचा होती है। डर्मिस, टेनिन, कौन सी विधि द्वारा? टेनिन विधि। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी विधि द्वारा जो पशुओं की त्वचा है उसे निकाला जाता है, तो कौन सी विधि है? जो टेनिन विधि है वो है। ठीक है दोस्तों, और टेनिन विधि है ये, और ये कौन सी मध्य वाली जो त्वचा है वो है, और ये जानवरों के द्वारा इसकी टेनिन विधि निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, और अब इसके बाद में है जो हमारी लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी त्वचा है वो कौन सी है? हाइपोडर्मिस। ठीक है दोस्तों, ये त्वचा सबसे नीचे वाली है, सबसे नीचे वाली त्वचा है निचली। ठीक है दोस्तों, लास्ट, और जो, ठीक है दोस्तों, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली त्वचा, और डर्मिस सबसे मध्य वाली त्वचा, और हाइपोडर्मिस सबसे निचली वाली त्वचा है। ठीक है दोस्तों, तो ये त्वचा हो गई। दोस्तों हमारी त्वचा के अंदर क्या है? एक हार्मोन पाया जाता है, कौन सा? MSH हार्मोन। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूलिनोसाइट स्टू हार्मोन। ठीक है दोस्तों, यह हार्मोन पाया जाता है। यह हार्मोन क्या करता है? हमारे जो शरीर होता है उसमें एक जो मेलानिन जो वर्णक होता है, जो मेलानिन वर्णक होता है, इसका स्त्रावण करता है। ठीक है दोस्तों, यदि ये हमारे शरीर में जम जाता है तो एक काला धब्बा हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है ये, तो एक काले रंग का धब्बा हो जाता है जिसे हम तिल कहते हैं। तो दोस्तों वो किस कारण होता है? MSH हार्मोन के कारण, जो मेलानिन वर्णन क्या करता है? स्त्रावित करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ये जम जाता है और तिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हार्मोन कंप्लीट। दोस्तों हमारी जो शरीर की जो सबसे पतली त्वचा होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? वो आँख की होती है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं दोस्तों। सबसे पतली शरीर की, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा, एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है? कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? हमारी आँख में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आँख में पाई जाती है, जो मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा होती है। ठीक है, दूसरी होती है सबसे मजबूत, जो सबसे
मोटी त्वचा होती है वो कौन सी होती है मानव शरीर की? तो वो त्वचा हमारे जो पैर का तलवा होता है उसकी होती है, और उसका नाम क्या है दोस्तों? क्लेकेनियम। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है? मानव पैर की त्वचा, क्या कहते हैं दोस्तों इसे? कलेके नियम। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे जो बड़ा अंग है वो कौन सा है? त्वचा है। और बाहरी जो अंग है सबसे बड़ा वो त्वचा है, और जो आंतरिक है वो कौन सा? यकृत होता है हमारा, लीवर। ठीक है दोस्तों, जिसे लीवर भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर का जो आंतरिक सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा होता है? यकृत। और जो बाहरी है वो कौन सा होता है दोस्तों? त्वचा। ठीक है, और मैंने बताया दिया कि त्वचा से हमारे शरीर को क्या होते हैं, जो विटामिन डी की पूर्ति होती है वो सूर्य से होती है। और हमारे शरीर में तीन प्रकार की जो त्वचा पाई जाती है, कौन कौन सी? एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है, और मध्य की परत डर्मिस होती है, और सबसे निचली जो परत होती है वो कौन सी होती है? हाइपोडर्मिसिस। ठीक है दोस्तों, और उसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये त्वचा टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हमारा जो टॉपिक आपको कैसा लगा तो ये वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को हो सके तो शेयर करना। तो दोस्तों और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी हो तो ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों जो आगे का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा अब आगे की जो ज्ञानेंद्रिय होती है आँख, तो आँख वाला टॉपिक हम कल कराएंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।